इसका नाम बताओ, वीडियो बनाओ ऐसे है। इसका नाम क्या है? तो इस चीज से तुम अकेले ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इसमें सर्विस तुम करा सकते हो। इसको सर्विस देने के लिए ये चाहिए अवेलेबल और ज्यादा डेटा सर्विस दे सकते हो। इसमें क्या हो गया कि सर्विस बोले इसका और क्या यूज है, सर्विस में पैथोलॉजी है वो कर ले सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी डाले का सर्विस कर सकते हो, और कॉलपोस्कोपी किस चीज में करते हैं? जब एप्स नियर में कुछ प्रॉब्लम हो, एप्स नियर से अपन फॉर्म नहीं हो रहा हो, उसके बाद से कॉल्पोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो कॉल्पोस्कोपी के टाइम पे इसी को ऐसे फिक्स, इसको ऐसे करके फिक्स कर लो, इसको यूज़ करने की, इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिटेनिंग बस बोर्ड बाई वॉल सेल्फ रिटेनिंग स्पेक्लर, ठीक है। सर्विस में कोई पैथोलॉजी हो, अपन पाइप से ले रहे हो, कॉल्पोस्कोपी कर रहे हो, तो फिर इसको इसका यूज होता है, ठीक। सेम डबल थ्रेडेड बाई वॉल स्पेक्लर, फर्स्ट डिजाइनर वॉल स्पेक्लर है। इस पर जो डिजाइनर वॉल में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ड्रेनेज, कोई कोई चीज़ का ड्रेनेज कर रहे हो, जैसे कोई मशीन हो रही है लेकिन फिर भी हो रही है, तो फिर ड्रेनेज में यूज हो रहा है। हेमाटोमेट्रा है, हेमाटोपाल्पस है, उसमें ड्रेन करने में यूज हो रहा है, तो फिर ड्रेन में यूज होता है, ठीक है। और जितने भी सर्जरी है डिजाइनर डी एन सी कर रहे हैं, उसमें यूज होगा, उसका यही यूज होगा। डिजाइनर से कर रहे उसका यही यूज होगा, ठीक है। ये ड्राइंग साउंड, जिसका नाम ड्राइंग साउंड को पड़ा, मेनली कॉपर ट्रीज का जब थ्रेड है मिसिंग हो जाता है, पता नहीं चलता कॉपर ट्रीज कॉपर ट्रीज निकल चुका है अंदर में ही है, तो इसको डाल के देखते हैं जो अंदर से जो आवाज़ आती है कॉपर ट्री की, तो कॉपर ट्री साउंड करते हैं, उसी के नाम पर यूट्राइन साउंड पड़ा है, ठीक है। इससे पता चलता है यूट्राइन लेंथ कितनी, यूट्राइन का पोजिशन क्या है, एंटी वर्जन है, एंटी फ्लेक्शन है, रेट्रो वर्जन है, ये जिस साइड जाएगा उस साइड मिल जाएगा, क्योंकि इनका पता भी नहीं चलेगा, बस डालोगे अगर रेट्रो वर्जन है आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका पोजिशन क्या है, उसका लेंथ क्या है, और सबसे पहले अगर हेडर डाले तो इसका नाम हेगा डायलेटर, पहले ये देखना उसके पहले डायलेटर की जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, दोनों जैसा दिखता है ना, तो डायलेटर की जगह पर भी ये यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग साउंड में ट्रेडिशनल ट्रेड है तो उसको पता लगाने के ड्राइंग साउंड यूज़ करोगे, इसका पोजीशन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। ये है ड्राइंग साउंड, ठीक, देख लिया अच्छे से, भूलोगे नहीं। ये हेगा डायलेटर, इसका साइज होता है जितने भी, अगर और क्लोज हो गया सबसे पहले छोटा वाला, सबसे पतला वाला हेगा डायलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइज इंक्रीज करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो डीएनए यूज करते हैं डायलेटेशन। डीएनए और डीएनसी में क्या डिफरेंस है बताओ? डीएनए मींस डीएनए किस पे करते हैं, डीएनसी किस पे करते हैं? डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज किस तरीके से करते हैं, और डीएनए किस पे करते हैं? इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन कोई प्रोडक्ट को इवैक्यूएट कर रहे हो, एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन किस में डीएनए कर रहे हैं, ठीक है। और क्यूरेटाज मींस वो इवैक्यूएट ऑलरेडी हो गया है, बस क्यूरेट करके थोड़ा सा देख रहे हैं। तो जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी में पता है उसमें डीएनसी करते, डीएनसी करते कब करते हैं, मोलर प्रेगनेंसी में डीएनसी कभी नहीं करना, ठीक है, लेकिन डीएनसी करते हैं, और कब करते हैं आफ्टर वन ईयर ड्यूरिंग सेक्शन, उसमें डीएनसी नहीं करना होता। मोलर प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या होता है, सेक्शन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है, उसमें ट्रेड वेट कुछ नहीं करना होता, क्यूरेट नहीं करना। लेकिन कभी कभी सस्पेक्ट हो रहा है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट अंदर में रह गया है, आफ्टर वन वीक तुम क्यूरेट कर सकते हो, उस टाइम पे उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट का प्लेसेंटा मोल में चेंज हो गया ना, हाइड्रोफिक मोल में चेंज हो गया, उसमें बर्फ फ्लेसिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए कभी भी उसमें क्यूरेट नहीं करते। बाद में वन वीक के बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया तब उसमें क्यूरेट करते हैं, उसमें क्यूरेट कर रहे हो। अगर किसी एबनॉर्मल ट्रैक ब्लीडिंग हो रहा हो उसमें क्यूरेट, उसमें डीएनसी करना होता है। एबनॉर्मल ट्रैक ब्लीडिंग है तो फिर थोड़ा सा इंडोमेट्रियम को लेकर उसमें हिस्टोपैथिक एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हो, उसमें डीएनसी हो रहा होता है जो प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। ब्लीडिंग हो तो उसमें क्लियर कर रहे हो, बोला प्रेगनेंसी में बाद में अगर सस्पेक्ट कर रहे हो कुछ प्रोडक्ट रहा पूरे पार्श्व में समथिंग लाइक दैट, फिर उसमें तुम डीएनसी कर रहे हो। बट अगर एबॉर्शन है, प्रोडक्ट सारा अंदर है, तो उसमें तुम इवैक्यूएट कर रहे हो, डायलेटेशन इवैक्यूएशन मेनली मिस्ड एबॉर्शन है। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, कॉज क्या होता है, उसमें डायलेट कर रहे हो, कॉज को ओपन कर रहे हो, ओपन हो गया तो सारे प्रोडक्ट को इवैक्यूएट कर रहे हो, ठीक है। वो डीएनसी में रेगा डायलेटर में डीएनसी, उसमें डीएनसी में यूज़ करते हैं, डीएनई में यूज़ करते हैं। अगर प्रॉपर्टी डालना हुआ तो थोड़ा सी उसको थोड़ा सा ओपन करके प्रॉपर्टी डाल रहे हो, या फिर कोई हेमाटोमा बन गया हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा डायलेट करके सारे ड्रेन करने के लिए थोड़ी डायलेटर ही यूज़ करते हैं। ये क्या है, टिप देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का दो चीज़ देखना होता है, ग्लॉब और टिप क्या है, एकदम टिप कैसे गुड फॉर सकते, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, अगर उसका इतनी शॉर्ट में किया गया है जिसका मार्जिन है उसको पकड़ने के लिए यूज़ करें, जब भी सेकंड में कर रहे हो तो सेकंड में कर रहे हो, तो जनरल वॉल से पकड़ने यूज़ किया हुआ है, सिपरी है सबको ठीक है करना है तो यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, और ये इसे पूरे बॉडी में इसको क्या यूज़ करते हैं, और ये
ये है स्पंज बोलने का, ठीक है, कोई भी स्वाप करने के लिए स्पंज यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रैचेट इसलिए नहीं है, लॉक इसलिए नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अब कितना प्रोडक्ट आएगा कितना नहीं, लॉक करने कितना ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्ट को अंदर में कितना प्रोडक्ट है होल्ड करना है, इसलिए इसमें लॉक नहीं होगा। दोनों में एक ही होता है ना, दोनों का टिप, बट ये कैसे बोलने का थोड़ा टाइप का है, ठीक है। इसमें जैसे सारा चम्मच रखा है, इसमें सब सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो ये डीएनसी में यूज, डीएनसी में यूज किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको निकाल देना है। वैलिडेशन और इवैक्यूएशन में यूज होता है ये, ओवर फॉरसेप, ओवर फॉरसेप फॉर इवैक्यूएशन। देखिएगा कैसा है ओवर फॉरसेप, दोनों कट कट करके करोगे इसे करोगे सब आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। ये स्पंज ओवर फॉरसेप, ये क्या है, ये चैनल इंस्टाग्राम में सारे और जो भी आस पास के एरिया है उसको पैक करके फिर उसको कॉम्प्लीट करा के छोड़ देते हैं धीरे धीरे। अभी अभी के ना ये हेलो ये बॉल सलम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिखता है, यहाँ वाला एक ही दिया हुआ, सेम सेम दिया हुआ है, रियल में ऐसा नहीं है। ये अभी देखा तुमने फ्रेंड साउंड फॉर्वर्ड T375 और T88 में क्या कैसे पहचानोगे, T88 है और T375 है, आमना चौक का और श्रीराम का आपके साथ लाइक चौक का है 80 का 10 ईयर ठीक है। मेरे को इसका डोज कम होते जाते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 20 वीक आया, 25 वीक आया, 28 वीक आया, उस केस में तुम आप 8-6 समय दे सकते हो, कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आप 8-6 दे सकते हो, 1000 तक दे सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सा पीपीएच है, एटोनिक पीपीएच है, क्रोमेटिक पीपीएच है, ठीक है। एटोनिक में हम लोग एटोनिक में ऑक्सीटोसिन दोगे और कैसे कैसे देते हैं, तुम्हें तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि तुमने प्रोलैप्स तुम्हारा कैसे लिया, बस प्रोलैप्स तुम्हारा कहीं से बाइपास स्टार्ट हो जाएगा, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा किसी एक बाइपास स्टार्ट करना। अगर तुम्हारा तुमने मैंने तुम्हें वो दे दिया, तुम्हारा सारा सारा मैं अबॉर्ट कर लूँगी, मैं भी तुम्हारा प्रोलैप्स का फेस हूँ,
पहले भी निकलना है इसलिए तुम्हें सारी चीज़ में देख लेना है ठीक है। बिल्कुल स्टोन है, बिल्कुल स्टोन है, पूरा पूरा किया जाता है वैसे एक मैंने जो थर्ड स्टेज लिया उसे चार कॉम्पोनेंट है, चार कॉम्पोनेंट का नाम बताओ क्या क्या होना चाहिए। कभी भी पीपीएच मीन्स जब भी हुआ बेबी डिलीवर के बाद ठीक है, कभी भी जैसे बेबी आउट हुआ उसमें हमें ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग ऑक्सीटोसिन बोले ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं ठीक है। 20 mg आई एम दे रहे हो, 10 mg आप फ्यूल डाल रहे हैं mg मीन्स तुम दो एम्पल, 1 एम्पल में 5 mg रहे हैं, तो 10 mg दे रहे हो एम्पल दे रहे हैं ठीक है। तो 20 mg देना है, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो फ्यूल डालते हैं ठीक है। कि सेकेंड कॉम्प्लेंट क्या है उसमें ठीक है। थर्ड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ इंटरमीडिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन असेसमेंट, मसाज इसमें नहीं आता है, पहले मसाज था अब मसाज नहीं आता ठीक है। और अब क्या बचा, पी एच हो गया, और तुम्हारा मैक्सल कब आया जाएगा, तुम्हारा क्लिनिक कब चलेगा ठीक है। मैक्सल का रेजमेंट बता, वो सब चीज़ है, सब चीज़ अंदर में है, कारण मिलेगा ठीक है। लिखो years later. Today is Valentine's Day, so let's celebrate.